हैबिट एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2019 के जितने भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है जी। तो इत्मीनान से सुनेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2019 मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत का रैंक है वो कितना है, और अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, और नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इन इंडेक्स को जारी कौन कर रहा है। पर्टिकुलर जितने भी इंडेक्स है सभी के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए फर्स्ट बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2019। तो आप जानते हैं इसमें जो प्रथम स्थान पर है वो नॉर्वे है, और भारत का जो रैंक है इसमें 129 है। और इसको जारी कौन करता है जी? तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको जारी करता है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2019 है ना। तो आप जानते हैं कि पहला स्थान बेलारूस का है, और अगर भारत के रैंक की बात करें तो 102 इसका स्थान है यहाँ भारत का। और आप जानते हैं इसको जारी कौन करता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 की। तो आप जानते हैं इसमें पहला स्थान अफगानिस्तान का है, और इसने रिप्लेस किसको करा? इसने रिप्लेस करा ईरान को, जो 2004 से नंबर वन पे था। और बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है 7th रैंक है भारत की। और बात करें जारी कौन करता है इसको, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, ठीक है जी। तो आप जानते हैं इसमें फर्स्ट स्थान स्वीडन का है, और अगर भारत की बात करें तो आप जानते हैं 9th नंबर पे भारत है। और जारी कौन करता है इसको? तो जारी करता है इसको जर्मन वॉच, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की, ठीक है जी। इसमें अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो जापान इसमें पहले नंबर पे है, और भारत की बात करें तो भारत जो है इसमें 5वें नंबर पर है। अगर जारी कौन करता है इसको वो देखे तो जर्मन वॉच इसको जारी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का स्थान 82 है ना। 82 कौन से नंबर में भारत का स्थान है? तो आप जानते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2000 जो 90 है उसमें अगर पहले स्थान की बात करें तो अमेरिका का पहला स्थान है, अगर भारत की बात करें तो भारत का 82 नंबर पे रैंक है, ठीक है जी। और आप जानते हैं नेक्स्ट है आपका हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019, ठीक है। अगर हम फर्स्ट नंबर पे बात करें तो यहाँ पे जापान और सिंगापुर, अगर भारत की रैंक की बात करें तो 82 भारत की रैंक है। और इसको जारी कौन करता है? तो आप जानते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको जारी करती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है इसमें हम अगर बात करें कि भारत का स्थान कितनवा है, तो आप जानते हैं भारत 36 नंबर पे है, और आप जानते हैं फर्स्ट की बात करें तो यूएसए जो है पहले स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है जी? तो आप सभी को पता है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 है ना, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो आप जानते हैं इसमें फर्स्ट जो स्थान है वो स्वीडन का है, और अगर भारत की रैंक की बात करें तो 76 नंबर पे भारत है। 76 जो रैंक है वो किसकी है? भारत की है। अगर जारी कौन करता है इसको वो देखें तो आप जानते हैं WEF इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 की। तो बात करते हैं इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है। अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत की जो रैंक है वो 63 रैंक किसकी है? भारत की, ठीक है। जारी कौन करता? वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं हम इनोवेशन इंडेक्स की। तो आप जानते हैं जो पहला स्थान है इसमें वो स्विट्जरलैंड का है,
और भारत की अगर बात करें तो 52 नंबर पे रैंक है किसकी, भारत की। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको जारी कौन करता है, तो आप जानते हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक प्रतियोगी सूचकांक 2019 की, तो आप जानते हैं पहला जो स्थान है इसमें सिंगापुर का है, और भारत की अगर हम बात करें तो 68 नंबर पे भारत की रैंक है, और जारी कौन करता है, सेम वही WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। ठीक है, और आप जानते हैं नेक्स्ट है भारत नवाचार सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक 2019, ये भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत में कौन जो है इनोवेशन के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर है, तो आप जानते हैं कर्नाटक जो है पहला स्थान है, और बात करें जारी कौन करता है इसको, तो आप सभी को पता है कि नीति आयोग इसको जारी करता है, तो आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन का जो नाम चेंज होके नीति आयोग हुआ है। अगर हम बात करें इस नीति आयोग के जो चेयरपर्सन कौन होते, चेयरमैन कौन होते, तो PMG होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 की, ठीक है, पहला अगर इसमें हम नंबर देखें तो फर्स्ट रैंक है स्पेन की, अगर हम भारत की बात करें तो भारत आता है इसमें 34 नंबर पर। अगर बात करें कि इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019, है ना, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2019 के बारे में, तो हम जानते हैं इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, अगर हम भारत की बात करें तो 59 रैंक जो है भारत की है। अगर हम देखें कि इसको जारी कौन करता है, तो आप जानते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है इसको जारी करती है। ठीक है, कौन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व असमानता सूचकांक 2019, तो विश्व असमानता सूचकांक 2019 की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पे यहाँ रैंक मिलती है हमें, फर्स्ट जो नंबर है वो डेनमार्क का है, और आप जानते हैं भारत की अगर बात करें हम 147 जो है भारत की इसमें रैंक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें जारी करता, इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 15। नेक्स्ट बात करते हैं हम सॉरी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2019 की, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2019 की, तो आप जानते हैं इसमें पहला स्थान जो है आइसलैंड का है, अगर हम भारत की बात करें तो 112 नंबर पे भारत की रैंक है। अगर देखें हम इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखें तो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें 2019 की, तो प्रथम स्थान है नॉर्वे का, और आप जानते हैं कि भारत की जो रैंक है इसमें 140 रैंक जो है भारत की है। अब बात आती है कि इसको जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, RWV इसको जारी करता है। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी बात। नेक्स्ट है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक, है ना, वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2019 की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं प्रथम स्थान फिनलैंड का है, और भारत की बात करें तो 140 जो है भारत की रैंक है। अगर इसको जारी कौन करता है, जारी इसको करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2019, तो इसमें अगर बात करें तो पहला स्थान है जी आइसलैंड का, और आप जानते हैं भारत की इसमें रैंक 141 रैंक पे तो भारत है, और इसको जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, IEP इसको जारी करता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की, तो आप जानते हैं इसमें फर्स्ट जो स्थान है वो स्विट्जरलैंड का है, और अगर भारत की बात करें तो 68 रैंक पे भारत है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 की, तो आप जानते हैं भारत की जो रैंक थी वो 78
रिंग भारत की थी। अगर नेक्स्ट हम देखें लास्ट की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक की, तो ग्लोबल जेंडर इक्वेलिटी इंडेक्स 2019 की बात करें तो आप जानते हैं फर्स्ट स्थान पे जो है डेनमार्क है, और आप जानते हैं इंडिया का जो इसमें 95 नंबर का स्थान है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख सूचकांक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी, तो अब बात करता हूं मैं संसद, है ना। तो संसद के बारे में, भारत में की जो संसद का नाम क्या है, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, बहुत से देशों की जो फेमस हर देशों की संसद के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अगर भारत में हम देखें संसद के बारे में, तो आप जानते हैं कि भाग 5 और अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक के आर्टिकल में किसका प्रावधान है, हमारी भारतीय संसद का प्रावधान है। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है ये, और इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि संसद के जो है तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ठीक है जी, और आप ये भी जानते होंगे कि ये जो राज्यसभा और लोकसभा है, इसमें 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर जो है इनको अपनाया गया था। जो राज्यसभा और लोकसभा है, राज्यसभा और लोकसभा जो वर्ड है, ये 1954 में राज्य परिषद एवं जनता सदन के स्थान पर जो है इस चीज को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम संसद कौन कहां की क्या नाम है संसद का। तो भारत के बारे में देखें तो भारत की संसद का नाम संसद है, भारत के पार्लियामेंट का नाम संसद। और आप जानते हैं कि रूस की जो पार्लियामेंट है वो ड्यूमा है, रूस की पार्लियामेंट का नाम क्या है, ड्यूमा है। और अगर स्पेन की पार्लियामेंट की बात करें तो कोर्टस यहाँ की पार्लियामेंट है। और बात करें अगर ब्रिटेन की, तो आप जानते हैं पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद का नाम है। अगर जर्मनी देखें तो बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है। अगर हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की संसद का नाम खुर्ल है। अगर हम नेक्स्ट देखें ईरान की बात करें तो ईरान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम मजलिस है। मजलिस आप जानते हैं, मजलिस का अर्थ होता है कि गैदरिंग, है ना, गैदरिंग मजलिस का अर्थ होता, मीनिंग होता है। और आप जानते हैं ताइवान की जो संसद है उसका नाम है युआन, ताइवान की संसद का नाम युआन। और अगर बात करें हम इसराइल की संसद का, तो आप जानते हैं नेसेट जो है इसकी, इसराइल की संसद का नाम है। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ही है। अगर जापान की बात करें तो जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट है। अगर मालदीव में देखें तो मालदीव की पार्लियामेंट का नाम मजलिस है। अगर स्वीडन की पार्लियामेंट की बात करें तो रिक्सडॉग जो है स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है। अगर हम भूटान की बात करें तो आप जानते हैं भूटान की संसद का नाम तसोगड़ू है। अगर नेक्स्ट हम नॉर्वे देखें तो नॉर्वे स्टॉर्टिंग जो है नॉर्वे की संसद का नाम है। अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। ठीक है जी, पाकिस्तान की बात करें तो नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है। नेपाल की संसद के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल की संसद है। तो आप सभी ने संसद के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारी बातों को जानते होंगे। अगर यूएसए की बात करें हम, तो यूएसए की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की संसद का नाम डेनमार्क की जो संसद है वो फल कटिंग संसद यहाँ की है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय बांग्लादेश की संसद का नाम है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।